हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे टोटल 8 न्यू अपडेट आई हैं, इसी के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पे आठों जो अपडेट हैं अलग 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 जो है डिपार्टमेंट से यहाँ पे अपडेट आई हैं। यहाँ पे पहली जो अपडेट आई है बिहार बोर्ड की तरफ से आई है। यहाँ पे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 में परीक्षार्थियों से पूछे गए 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो है आंसर की जो है आपको बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन पे जो है उपलब्ध करा दी गई है। अगर आप आंसर की जो है इंटरमीडिएट का डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां पे दूसरी अपडेट यहां पे ये है कि आंसर की में यदि किसी परीक्षार्थी अभिभावक या व्यक्ति को आपत्ति है तो वो समिति की उक्त वेबसाइट पर दिनांक 6/3/2023 को अपराह्न 5 बजे तक जो है आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर की भी लोड की गई है। अगर आपको किसी तरह की आंसर की से आपत्ति है, कोई आपको गलत लगता है, तो उसके लिए आप कंप्लेन यहाँ पे आपत्ति दर्ज जो है 6 मार्च 2023 तक कर पाएंगे, संध्या 5 बजे तक। आपत्ति दर्ज करने के लिए सिंपली आपको बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन पे जाना है। वहां पे रजिस्टर ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग आंसर की इंटर एग्जाम 2023 पे क्लिक करना है, या डायरेक्टली जो वेबसाइट इसका है objection.biharboardonline.com पे जाना है। वहां पे क्लिक ऑन द लिंक पे जो है आपको क्लिक करना है। उसके बाद वहां पे आपका रोल कोड रोल नंबर डालने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन करके वहां पे आप आंसर की को और यहां पे कोई ऑब्जेक्शन है तो उसके लिए भी आप आपत्ति दर्ज कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट की। तो दूसरी अपडेट यहाँ पे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आई है। देखिए, आज यहाँ पे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में एक नया सर्विसेज जो है जारी की गई है। देखिए, यहाँ पे न्यू सर्विस ये है कि अब आप नजदीकी सीएससी के जरिए जो है केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण जो है और निगरानी प्रणाली पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है किसी भी डिपार्टमेंट में तो वो आप केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के पर जो है यहाँ पे शिकायत जो दर्ज करते हैं वो आप सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। वो भी सिर्फ ₹10 में जो है आप निगरानी प्रणाली और सार्वजनिक शिकायत निवारण पे जो है कंप्लेन करके आप अपनी शिकायत को जो है आप अपनी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द जो है निवारण पा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है, जब आपकी शिकायत को कोई न सुने तो संपर्क करें हमारी जन सेवा केंद्र सीएससी और अपनी शिकायत जो है दर्ज करवाएं सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रेजिस्टेंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पे, जिसको CPGRAMS बोलते हैं पे। सिर्फ मात्र ₹10 में आप कंप्लेन कर सकते हैं। जल्द से जल्द शिकायत की सुनवाई जो है यहाँ पे आपको होंगी। तो अगर आपका कोई प्रॉब्लम्स है जिसकी निवारण नहीं हो पा रहा है, आप परेशान हो रखे हैं, तो जो है आप CPGRAMS पर कंप्लेन करके जो है अपनी समस्या का निदान जो है आप जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी जो अपडेट यहां पे आई है वो EPFO के तहत आई है। देखिए, अगर मुश्किल समय या अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं और आपको जो है EPF अकाउंट है आपका, BPF जो है कटता है और आपको पैसे निकालने की जरूरत है, तो वो आप मुश्किल समय में जो है EPFO आपके साथ हमेशा साथ रहती हैं और चिकित्सा के लिए जो है आप एडवांस क्लेम करके जो है पैसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे एडवांस क्लेम में जो है आपको 60% जो है आपका अमाउंट जो है यहाँ पे जारी कर दी जाती है। आप जो है इलनेस के नाम पे जो है आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है अगर आपको किसी तरह की समस्या है तो आप जो है अपना EPF जो है ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इसका जो लिंक है यहाँ पे प्रोसेस का जो वीडियो है यहाँ पे दी गई है, इसको आप प्रोसेस फॉलो करके जो है आप पूरी डिटेल्स को सीख सकते हैं और आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी जो है अपना एडवांस जो PF का पैसे है वो आप निकाल के अपने काम में लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ही दी गई है। यहाँ पे सैटरडे साइबर सिक्योरिटी जो है लेसन जो है की गई है। यहाँ पे आपको जो है साइबर सिक्योरिटी लेसन में आपको साइबर सिक्योरिटी से डिटेल्स जो है यहाँ पे
आपको गाइड की जाएंगी, उसके बारे में डिटेल जानकारी जो है आपको दी जाएंगी। यहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, फेक सर्वे, क्विज, ऑफर से रिलेटेड जो है यहाँ पे आपको अवेयरनेस प्रोग्राम जो है चलाई जा रही है साइबर सिक्योरिटी लेसन्स के तहत। यहाँ पे वार्निंग साइन फॉर ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में बताए जाएंगे, रिक्वेस्ट फॉर अनरिलेटेड पर्सनल डिटेल्स एंड नो प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में आपको जानकारी दी जाएंगी। यहाँ पे रीडायरेक्शन टू फॉल्स वेबसाइट एंड कंटेक्ट नंबर इन द सेम इन द नेम ऑफ फेक सर्वे। यहाँ पे जो फॉल्स वेबसाइट होते हैं, कंटेक्ट नंबर होते हैं, उनके थ्रू जो है आपसे जो है इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, सब के बारे में जो है अवेयरनेस प्रोग्राम जो है चलाई जाएंगी। यहाँ पे टू गुड टू बी ट्रू ऑफर्स एंड बोगस इन्वेस्टमेंट स्कीम क्लेमिंग अनरियल रिटर्न्स। यहाँ पे फोकस जो है इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाता है कि आप यहाँ पैसा लगाएंगे तो यहाँ दोगुना होगा, इस तरह की जो है आपको जो है कॉल आती है, मैसेज आती है, मेल आती है, तो इस सब के बारे में जो आपको डिटेल जो है आपको जानकारी दी जाएंगी। यहाँ पे बैड ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक, विथ अननेसेसरी अर्जेंसी टू शेयर इन्फॉर्मेशन के बारे में जो है यहाँ पे डिटेल जानकारी दी जाएंगी। इसको आपको जानकारी अधिक लेने के लिए जो है www.staysafeonline.in पे डिटेल्स जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे आई है पीएम किसान सम्मान योजना निधि से रिलेटेड। देखिए, यहाँ अगर आप फार्मर हैं, आपको किसी भी तरह की जो है आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो यहाँ पे किसानों के लिए जो है यहाँ पे टोल फ्री नंबर जो है जारी की गई है 1551261, जिस पे आप डायरेक्टली जो है कॉल करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या किसी तरह के आपकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में भी आप जो है कृषि से रिलेटेड समस्याएं हैं उसके बारे में भी आप डायरेक्टली जो है कॉल करके 1551261 पे जानकारी ले पाएंगे। यहाँ पे फार्मर कैन डायल 1551261 टू नाउ द स्टेटस ऑफ देयर पीएम किसान अप्लीकेशन के स्टेटस भी आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ही आई है। देखिए, यहाँ पे सीएससी जो है आपको सिनेमा हॉल खोलने के लिए, अपने गांव देहात में जो है सिनेमा हॉल खोलने के लिए जो है यहाँ पे आपको ऑफर दे रहे हैं, जिसके तहत अपने गांव में भी जो है आप शहरों की तरह जो है यहाँ पे सिनेमा हॉल खोल सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ बुकिंग करने के लिए जो है आपको 21,000 रुपये मात्र आपको देने पड़ रहे हैं। जब आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको जो है सिनेमा हॉल खोलने के लिए यहाँ पे लोन भी प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपका सिलेक्शन जो है सिनेमा हॉल के लिए नहीं होता है, तो आपका जो यहाँ पे बुकिंग अमाउंट जो लग रहा है 21,000 रुपये, वो आपको रिफंड कर दी जाती है। अगर आप विशेष जानकारी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी, मोबाइल नंबर भी दिया गया है, जिस पे आप डायरेक्टली जो है कॉल करके डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। 1201 ए मूवी थिएटर, अगर आप मूवी सिनेमा का जो है ओनर बनना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ पे बुकिंग अमाउंट 21,000 में जो है मूवी थिएटर के लिए यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ये जो है लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ये 31 मार्च तक जो है इसका डेट जो है बढ़ा दी गई है। इसके तहत जो है अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको MSME & E मुद्रा के तहत जो है आपको लोन भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, और इसी तरह की नई नई अपडेशन के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।